हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RPF SI एडमिट कार्ड 2024 के बारे में। आपके जो एडमिट कार्ड है वो कब तक लिखे जाएंगे, डाउनलोड कैसे करना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखा चुकी वीडियो में। मेक श्योर की वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई अपडेट मिस ना हो। सिंपली बढ़ेंगे आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों बात करें, जो आपका RPF SI का जो एग्ज़ाम है वो फिलहाल कंडक्ट किया जाएगा इन द मंथ ऑफ सितंबर, और एग्ज़ाम जो है सितंबर में कह रहे हैं एक्सपेक्टेड, और वन वीक बिफोर जो है एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ जाएंगे तकरीबन अगस्त के लास्ट वीक में पॉसिबिलिटी है एडमिट कार्ड के आने की। ज़्यादातर जो आर्टिकल्स एडमिट कार्ड के अवेलेबल हैं उनमें जो ज़्यादातर लिखा हुआ है, 3-4 आर्टिकल गूगल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो एक्सेस कर पाइएगा, और उसमें एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है कि सितंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक में यानी फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करने की पॉसिबिलिटी है, और एक हफ्ता यानी 7-10 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे अगस्त के लास्ट वीक के अराउंड। अब ये पॉसिबिलिटी एक्सपेक्टेड आर्टिकल्स हैं और ये लास्ट के बेस होते हैं, मतलब पुराने आर्टिकल को हिसाब से बता दें कि कितना टाइम लगा था पुराने सेशन में। अब पुराने सेशन के आर्टिकल आपको चेक करने, तो आप गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं। गूगल पर सर्च कर लीजिएगा RPSC एडमिट कार्ड 2022-23 डाल के, तो पुराने आर्टिकल आ जाएंगे। डाउनलोड कैसे करना होगा, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा रिक्रूटमेंट टैब या फिर लेटेस्ट अपडेट के सेक्शन में, जहाँ पर भी लिंक दिखे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन करेंगे यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड वगैरह डाल के, और फाइनल लॉगिन के बाद आपके एडमिट कार्ड शो जाएंगे PDF फाइल में स्क्रीन पर। उसको सेव कर लीजिएगा फॉर द फ्यूचर यूज़। थैंक यू।